ये अपनी 1577 और आप देख सकते हो क्या भैंस ने तगड़ी वाली हिट करी है। अलॉय व्हील पूरा रिम पूरा ख़त्म कर दिया, नीचे के ये भी टूटे हैं, ये देख कुंदे टूटे हैं, ये कहाँ से टूटा है, ये सारा का सारा नीचे गिर गया। इसके साथ साथ और क्या हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं हिट हुई है तो तेल भी निकल रहा है। अरे उसका तेल है घेयर बॉक्स का। हाँ ये टूट गए ना, ये टूट गए भैंस के ढंग से है। और क्या क्या मारा है, अच्छा एक्सल तोड़ दिया, एक्सल निकल गया बाहर, ये एक्सल निकला पड़ा है। वो वाला टायर खत्म ना हुआ, ये भी खत्म है, ये भी खत्म। और कहाँ कहाँ लगी है ये देखने इसके फ्रेम खत्म है, इसका ये फ्रेम है ना, फ्रेम खत्म होगा पूरा फ्रेम, ये पूरा पूरा ये फ्रेम नया डलेगा, फ्रेम की गैल गैल या करना, ये नट भी मुड़गा, नट मुड़गा, ये तो सीधा हो जाएगा। फ्रेम है मेन चीज, तो फ्रेम है, फ्रेम टूट गया तो फ्रेम नया डलेगा। यू है और क्या, कहाँ कहाँ और क्या क्या लगी है ना, पीछे ना हुआ भाई सब कुछ भी गाड़ी में है, पीछे बस यू ही लगी है, यू हिट हुई है यू। टायर तो ठीक है और गाड़ी के बॉडी पे ना पहुंचे कुछ नीचे, तो टायर ठीक है, हवाई तो निकल गई, यू रिम बैंड होगा नहीं हमारा, हवा निकल गया यू रिम भी ठीक हो जाएगा, बाकी वैसे टायर तो ठीक है, ठीक है ठीक है, टायर तो ठीक है। अब क्लेम मैं तो बेशक से कुछ ही करवा लूँ, ये ठीक है टायर, ये ठीक है, जो पोल गिरा पता पड़ नहीं है, पोल कहाँ है, मैं तो कुछ भी नहीं लगा, ये ना लकीर खिंच रही है, ये तो पहले भी लगी पड़ी, पहले लकीर लगी पड़ी, जिस लकीर से खिंच रही है ये पोल में लगी, पोल गिर गया ना, अरे थर्माकोल का पोल होगा, पोल यार पोल, पोल अब तू तो टार्जन वाली बात कर रहा है, नुके रहा, इस गाड़ी ने वो एसटीडी बूथ को उड़ाया है, नुके कहीं से लगती है इसने एसटीडी बूथ को उड़ाया है, तो तू भी वाला हाल करो नुके, इसने पोल को उड़ाया है, कहीं से लग रही है पोल उड़ाया है, देख यू लगी है नीचे, तो नीचे तो लगी है, देख सारा कंडेंसर रेडिएटर वेडिएटर सब नीचे आ गए हैं, चैम्बर तो बच गए, ये यू टूटो या कहीं घेर बक्सा का ये सील वील पता हो ना, तीन चार जगह से, दो तीन जगह से ऑयल निकल रहा है, यू फ्रेम चेंज होएगा, फ्रेम की गैल यू चिमटा भी चेंज होएगा, फ्रेम तो पूरा चेंज होएगा, फ्रेम की गैल चिमटा चेंज होएगा यू वाला, और यू वाला चिमटा भी चेंज होएगा, देख यू कैसा मुड़ा है, यू रिम चेंज होएगा, ठीक है जी, देखे यू रो ना, यू ना देखे यू वाली चीज ना यहाँ लगा रहा है, यहाँ देखो वैसे यू यहाँ ये वाली चीज यहाँ लगी रहती जो ऊपर पहुँच गई, एक्सल सारा टूट गया, शॉकर लीक हो गए ना, शॉकर तो बच गए, शॉकर में कुछ ना हुआ, ये तो एक्सल को निकल रहा है, चैम्बर में बैंड आया वैसे ठीक है, चैम्बर वहाँ घेर बक्सा में कॉम, तो घेर बक्सा का कुछ कॉम हो सका है, घेर बक्सा की शायद बाहर की हाउसिंग वगैरह पहले जैसी, हाँ आराम से कोई दिक्कत ना है, तो फिर नाना कुछ भी ना है, हम क्या है फ्रेम बदलेगा, फ्रेम फटी चुका हो फ्रेम बदलेगा, फ्रेम के बाद भाई मेन चीज फ्रेम ही रहे, चाहे साला उच्च बैंड हो जाओ या कुछ ही हो, सारी अलाइनमेंट तो फ्रेम देखे है ना, फ्रेम बदल जाएगा फिर साला थोड़ी बहुत हो तो कोई फर्क ना पड़ता, वैसे ठीक है गाड़ी तो तू तो हाँ यू बदलेगा, हाँ बंपर तो ठीक है यू बदल जाएगा, हाँ यू ये वेल्ड वगैरह होंगे ये ठीक है यार, ये तो थोड़ा बहुत इतना चलेगा, रेडिएटर चेंज होएगा, कंडेंसर वगैरह चेंज होंगे, यही काम होएगा। तो भाई देख लो ये पता क्या हुआ है, पता नहीं कैसे या कैसे ये डिवाइडर पे चढ़ गई और दूसरी तरफ गई है, एक रोड से दूसरी तरफ, यू टर्न लेने का रिस्क नहीं लिया हमने, सीधी ऐसे डिवाइडर से उस पार ले गए हम इसको, हाँ इसमें जैसे जिप्सी के साथ किया था ना, एक तरफ से चढ़ा के वो पलटा दी थी,
इस बार कुछ नया, हाँ इस बार नया प्रिंसिपल लगा के सीधी पार ही कर दी, हाँ सीधे दूसरे रोड को उस पार चलेगी, घर 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 टैर जी वाला गया आगे के गए हैं, पीछे का ऊबी धीम वगैरह वैसे सीधा हो जाएगा, बाकी चेंज भी हो जाएगा। वो लगा हुआ है ना कहीं, यू ना किसी चीज में जाके लगाओ, ये देखना क्यों किसी चीज में जाके लगाओ है तब जाके हवा निकली है, फिर यू बाकी यू तो वैसे जैसे चल के आई है ना तो बात तो हुई है, ये तो ठीक है तैर तो बिल्कुल ठीक है। 1000 का है, हैं अब वो तो पता ना भाई, पार्ट्स के ऊपर डिपेंड है कितने के पार्ट्स हैं। रजनी चौधरी कहा कर दे, मुझे नहीं पता इसके कितने के पार्ट्स हैं, मुझे नहीं पता ये मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता है हमारा कहाँ जा रहा हूँ, पप्पी दुआ दी किसी के पप्पी दे दी। अपनी 1577 और हो गया, पूरा पूरा काम हो गया, नीचे चेचिस का काम हो गया, सारा काम हो गया इसका। बस सबसे अच्छी बात ये है कि हमने ओरिएंटल से इसका इंश्योरेंस कराया था तो क्लेम पास नहीं कर रहे हैं, मतलब पास कर दिया है बट क्या है पैसा नहीं दे रहे, हाँ मतलब वही है पास तो कर दिया तभी इसका काम हुआ है बट वही है पैसा नहीं दे रहे अभी, अब उसे पास कह लो या कुछ भी कह लो बट भाई पैसे नहीं दे रहे हैं। तो हाईली रिकमेंड करूँगा कि कोई भी ओरिएंटल से इंश्योरेंस ना कराए, क्योंकि मेरी फ्रेजर का भी जब एक्सीडेंट हुआ था ना मेरे से तब भी उन्होंने क्लेम नहीं दिया था और वो पैसा आया ही नहीं, हमने खुद ही कराई थी, वो पैसा भी खा गए। तो भाई मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कभी मत कराओ, मतलब अगर भाई तुम्हें क्लेम लेना है ना तो मत कराओ ओरिएंटल से। बाकी गाड़ी का सारा काम हो चुका है, ये सारा सस्पेंशन वगैरह का भी उठी होती तो दिखाता क्या क्या काम हुआ है, बाकी पेंट वेंट भी हुआ है। और भाई खोलियो नमन, दोस्त बॉनेट खोलना, भूल गए कहाँ थे यार या का, ये नया डला है, ये नहीं चल, ये नया डला है कि ये, अरे ये तो एयर फिल्टर है, यू काहे को नया डलेगा या को नीचे तक की कुछ पता नहीं क्या टूट गया और लॉक आ रहा होगा जब ही नया डला है भाई, ये सब कुछ नया डला है, ये फैन वैन रेडिएटर सब कुछ नया है, मुड़ा पड़ा है होता ही ऐसा ऐसी है, ये तो डिजाइन है, टर्बो चार्जर है इसमें। टेस्ट ड्राइव वगैरह किसने लिए इसके, ये मुकेश है, मुकेश बहुत यू कुछ गिरा यहाँ पे बाहर खड़ी हुई है पेड़ के नीचे, टायर बदल गया है, बोला ये तो पुराना वाला ही टायर है, वो बदला दिखे है यू वाला टायर,